एक्चुअली चक्कर ये है कि खलील रहमान का जो स्क्रिप्ट होता है, खलील रहमान की स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि वो स्क्रिप्ट आपने जैसा लिखा है वैसी बोलना है. यू कैन नॉट ऐड सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई अ वर्ड. यू कॉन्ट डू एनी थिंग. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये जुमला है कि तुम उधर जाओ और उससे मिल लो, तो आपने यही बोलना है कि तुम उधर जाओ और उससे मिल लो. अगर आपने ये कह दिया कि तुम जाके उससे मिल लो, वो बंदा बैठा होगा वो बोलेगा नहीं ये नहीं है, आप वो लाइन है, आपने गलत कह दिया. फॉर एग्जाम्पल एक सीन था जिसमें मैं उमाई भाई को कहता हूँ कि शट अप, तो मैंने कहा यार मैं इसमें ऐड कर देता हूँ यार, मैं कह देता हूँ शट अप यार, होता है ना कि पैसे ले लो शट अप यार, तो वो भी मुझे नहीं करने दिया. बिकॉज यू कांट चेंज, यू हैव टू से द लाइंस एज इट इज. फ्रस्ट्रेशन नहीं होती थी कि यार ऑब्वियसली होती है यार, 8-8 रीटेक्स होती थी, 10-10 रीटेक्स हो रही हैं, आपसे नहीं हो रहा आप, क्योंकि देखें हर किसी का ना कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस मुख्तलिफ होता है. आप मुझे अगर ये बात कहेंगी कि फुरकान जाके उस इमरान से मिल लो, तो आपका तरीका मुख्तलिफ होगा वो बोलने का, इमरान से तो मिलो गेट इट, मेरा अलग होगा, लेकिन वो यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर यू नो कंस्ट्रक्शन, आपने उसी तरह से फॉलो करना है. एब्सोल्युटली हाँ, लेकिन फिर वो लगता इतना अच्छा है ना, तभी तो डायलॉग्स इतने हिट हैं. तो इन फेवरेट डायलॉग आपका क्या है? मेरा अपना या किसी का भी? पहले अपना बता दें बेटी. मेरा वो है ना वो जो मैं मुझे याद नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैं किसी एग्जैक्टली याद नहीं है, वो कहता हूँ कि मोहब्बत तो पागलों का खेल है, इसमें दोनों में से किसी, दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को नजर आने लगे तो दूसरे की आंख अपने आप खुल जाती है. उसकी आंखें खुल गई आयशा, वो महविश के लिए अपनी आंखें दोबारा बंद नहीं करेगा. दिस वाज वेरी नाइस. और किसी और का? यार बहुत हैं, देयर आर सो मेनी डायलॉग्स इन इट यार. जो सबसे जो मशहूर हुआ है डायलॉग वो है ना, 2% की लड़की के लिए 50 मिलियन. लेकिन मुझे पर्सनली बहुत सारे डायलॉग्स यार, ये जो मतीन साहब थे, खूबसूरत आदमी मोहम्मद अहमद, वो मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ मेरे, ही इज़ वन ऑफ माई मेंटर्स एंड ही इज़ अ ग्रेट एक्टर. वो एक सीन करते हैं और वो कहते हैं कि उसकी बेवफाई की सज़ा मिलती है, तो वो कहते हैं नहीं, जितनी जजा वफा करने की मिलती है उससे ज़्यादा बेवफाई की मिलती है, इस तरह की बात करते हैं. तो द लाइन्स आर ब्यूटीफुल यार, द डायलॉग्स आर ब्यूटीफुल. इस ड्रामे का नाम मुझे था मेरे पास डायलॉग है कसम से, डायलॉग्स जो है ना उसके. योर केमिस्ट्री विद रहमत अजमल, आयशा, योर वाइफ. रहमत इतनी एक्सपीरियंस्ड एक्टर नहीं थी, बिकॉज उन्होंने इतनी एक्टिंग नहीं की हुई, वो मॉडल हैं बाय डिफॉल्ट और शी इज़ फ्रॉम लाहौर. लेकिन उन्होंने, मैं उनको सेट पे भी मैंने उनको कहा और मैं अभी भी उनको ये कहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कंसिडरिंग कि आप अचानक एक इट्स लाइक आप गली में क्रिकेट खेलते थे और आपको यू नो स्टेडियम में खड़ा कर दिया, सामने शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है आपके, तो आप क्या करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे. लेकिन उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड द ऑरा दैट शी पोजेसेस, इट्स वंडरफुल, इट्स फैंटास्टिक. I wish her all the best for her future. Huh? कि वो model ने, वो model come actress. Model turned actor. So this is her first. I think so. मुझे confirm नहीं है, लेकिन I would like to think कि उनका पहला drama. No, because थोड़ा सा just reality check में अगर हम सोचें कि आप लोग stock exchange के उसमें काम कर रहे थे, तो her wardrobe wasn't what a desi हम लोग stock exchange की गेमा गेमी में पहना हो. बहुत जगहों पे हमें ऐसा लगा as audience कि यार स्टॉक एक्सचेंज में आप इतने आराम से रहे, सो बट लेकिन वो अगेन वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी का बेनिफिट ऑफ द एट द एंड ऑफ द डे ड्रामा है, एट द एंड ऑफ द डे अच्छा लगना है. आप इतना रियल कर देंगे ना, तो फिर असली में चले जाएं स्टॉक एक्सचेंज, जाके वीडियो बना लें सबकी और वो आगे देख के एंटरटेन हो जाए. थोड़ा सा यू हैव टू लुक प्रीटी आल्सो. यस. अच्छा अब आप बताएं कि फ्रेंड्स लाइक सलमान एंड आयशा, आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, महविश और दानिश के, दोनों के बहुत अच्छे दोस्त हैं, कॉलेज से आप लोग साथ थे, एंड अब आके इस मुश्किल वक्त में आप लोग उनका साथ दे तो रहे हैं, मगर एज गुड फ्रेंड्स लाइक उनकी पर्सनल लाइफ में डू यू थिंक लाइक आप क्या करना चाह रहे हैं? बिकॉज आप लोगों ने बीच में बोला है कि उसको माफ़ कर दो और वो उसको कर दो, सो क्या होने वाला है? थोड़ा सा हमें बहुत यार ऑफकोर्स मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन हम इसीलिए वापस हम उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं, दैट इज़ योर क्वेश्चन. तो हमें करवाया गया है ना, महविश ने, दानिश ने नहीं, लेकिन महविश ने तो हमें फ़ोन करके कहा है ना कि उसको कहो और यू नो मुझे, तो उसी वजह से हम इंटरफेयर कर रहे हैं. और आप ये याद रखें कि हम चारों यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, अब चारों यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, दोनों की शादी हो गई, आपकी हो गई, उनकी भी हो गई, तो अब वो 6 साल बाद ही सही आके अगर कह रहे हैं, एक उनमें से कह रहा है कि मेरी दोस्ती कराओ, तो यू कांट इग्नोर ना, है तो दोस्त.
तो हम वही कर रहे हैं, मैं दोस्ती निभा रहे हैं और क्या। तो हमें सबको लग रहा है, बहुत सारी ऑडियंस को ये कि आप लोग ये ड्रामा अलाला की तरफ जा रहा है, तो इज दैट समथिंग? दैट्स आई नो इट्स वेरी स्ट्रांग बट नहीं, वो आई डोंट नो, दैट्स फॉर द ऑडियंस टू सी, लेट्स वेट एंड वॉच। ड्रामा देखें आगे, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। और सिर्फ ऐसे ही हार्डली टू मोर एपिसोड्स, जहां कितने 23 हफ्ते वेट किया है, दो और हफ्ते वेट कर लें, पता चल जाएगा सब। ओके, सो अब मैं थोड़ा सा यहाँ से हटके वैसे ऑन दिस ड्रामा कि इसकी जो डायलॉग्स हैं, इसकी चीज़ें हैं, देर सो वेरीड, मतलब इसमें इतनी डेप्थ है हर डायलॉग में। सो सेम जिस तरह अलिफ ने हमजा अली अब्बासी को चेंज कर दिया है, सो इस ड्रामे ने कहीं आपको पर्सनल लाइफ में पर्सनल कहीं टच किया है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखें अप्रिसिएशन और मोहब्बत किसी भी आपको तरीके से मिलती है तो आप उसको एक्सेप्ट ही करते हैं। अब जैसे मैं स्टॉक एक्सचेंज वाली मैंने बात की, वो भी अप्रिसिएशन ही है ना, वरना किसको पढ़ी है कि मुझे क्यों बोल देगा कोई स्टॉक एक्सचेंज? इट्स द लव दैट इज कमिंग इन। तो मुझे, मैं काफ़ी मेरे अंदर टेम्परमेंट आया है, काफ़ी बर्दाश्त आया है, काफ़ी हम्बल हुआ हूँ, क्योंकि आपको किसी भी किस्म से अप्रिसिएशन या मोहब्बत मिलती है और एक्सेप्टेंस मिलती है तो आप खुशी होते हैं, आप हम्बल ही होते हैं। तो आई थिंक आई बिकम मोर हम्बल एज अ पर्सन, क्योंकि होता ये कि जनरली इस इंडस्ट्री में ना बहुत सारे लोग बेटर हो जाते हैं एक टाइम बाद, क्योंकि उनको अगर वो नहीं मिल रहा होता जो वो चाहते हैं तो एक टाइम बाद वो ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बेटर हो जाते हैं कि नहीं यार ये काम सही नहीं है और नहीं मैं ये वो, ये इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन आई थिंक ये अल्लाह की तरफ से मुझे एक साइन था कि नहीं, यू नो, रिलैक्स, इट्स ऑल गुड, सब अच्छा अच्छा होगा और हो रहा है। आई एम रियली हैप्पी द वे थिंग्स हैव शेप्ड अप। So it's you've taken it positively. Absolutely, yes. Yaar, why not? मोहब्बत को कैसे आप negatively लेंगे? मोहब्बत मिल रही है तो लें। अगर आप दानिश होते और आपकी वो position होती, तो आप अपनी बीवी को वापस लेते? In real life? No, no, of course. Drama में मैं कहाँ से decide करूँगा? Drama में तो script होगी ना? आप ये पूछेंगे असली ज़िंदगी? चलें भी असली ज़िंदगी। नहीं, कभी भी नहीं, never. ये तो अजीब, आप खुद सोचें ना, हाँ आप लेंगी? तो बस ये तो हद हो गई ना, किसी और, देखें अगर किसी और वजह से छोड़ के जाती ना तो बात समझ आती, पैसा ना सीधा, और कोई वजह ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी वुड फॉर दैट मैटर, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी नहीं। ओके, तो और अगर आपको ऑफर किया जाता या तो दानिश या शेवार, तो आप किसका रोल आप? आई थिंक मैं आई वुड हैव डन शेवार्स कैरेक्टर। मैं शेवार का कैरेक्टर करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ज़्यादा मज़ा आता करने में, बिकॉज अगेन देयर इज वेरिएशंस और देयर वाज लॉट, लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह दान भाई ने किया है वो तो उनसे अच्छा भी कोई नहीं कर सकता था। ही लुक लाइक अ ग्रेट जेंटलमैन। यस, टोटली। ओके, अच्छा, सबसे अभी तक लाइक फनीएस्ट पॉसिबल एंडिंग जो आप लोग सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, क्या है जो आप सुनी है? मैं खुद सोच सकता हूं, मैं देखे नहीं, मेरा ख्याल है कि रूमी जो है वो शादी कर लेगा टीचर से और फिर उसको वो छोड़ के चले जाएगी, बिकॉज कोई और आ जाएगा जिंदगी में। यू गेट इट? कि मतलब वो बच्चा जो है वो शादी कर लेगा उससे। व्हाट्स द नेम ऑफ द कैरेक्टर? हीरामानी का कैरेक्टर का नाम क्या? हानिया। रूमी असली